करते हैं वर्कशीट नंबर वन। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, सिक्स क्लास की है, मैं दोनों लैंग्वेज में बनाऊंगी, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, और आपको मैं बता दूँ इस पूरे वीक आपकी सारी वर्कशीट वर्कशीट नंबर वन ही रहेंगी। इसके अलावा आपको सैटरडे को वर्कशीट नहीं आएगी, ये वाली सैटरडे को सिर्फ 6 to 8 वाली यानी एक ही वर्कशीट आपकी आएगी। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे हमने कि व्हाट डिड यू ईट टुडे, यानी आपने आज क्या खाया। तो मैंने आज राइस एंड बीन्स यानी कि राजमा चावल खाए। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे और टुडे, यानी जो आपने कल खाना खाया था वही आपने आज खाया। तो मैंने लिख दिया नो, मैंने कल कुछ और खाया था, आज कुछ और खाया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एवरी फूड आइटम्स इज मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, यानी हर खाने का पदार्थ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, यानी अगर आप खाली उबले हुए चावल बनाएंगे तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओनली 2 मटीरियल्स, वो सिर्फ 2 मटीरियल्स को मिला के बनते हैं, राइस एंड वाटर। कुछ लोग नमक भी डालते हैं, लेकिन फिलहाल तो 2 चीज़ों से ही बनते हैं, यानी कि चावल लो, पानी में लो और उसे उबाल लो, आपके बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रोटी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अब रोटी किससे बनती है, फ्लोर एंड वाटर, यानी कि आटा और पानी को गूंद के उसको बना लेते हैं हम। ठीक है, अब खीर, तो खीर कैसे बनती है आपकी, लिखा है खीर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैसे बनेगी, राइस मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स, और इसके अलावा आप लिख लेंगे शुगर, क्या लिख लेंगे, शुगर यानी कि चीनी, ये देखिए यहाँ लिखा है शुगर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के आपकी खीर तैयार हो जाएगी। खीर को डेजर्ट भी बोलते हैं, वैसे डेजर्ट माने कुछ भी मीठा है ना, खीर को खीर ही बोलेंगे। चलिए यहाँ लिखा है आस्क योर एल्डर, यानी आप अपने बड़ों से पूछिए व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर छोले भटूरे, आप अपने बड़ों से पूछिए कि छोले भटूरे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मैंने लिख दिया छोले बनाने के लिए छोले, मसाले और पानी चाहिए, भटूरे बनाने के लिए आटा, पानी और तेल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आप भी लिख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, लिखा है यहाँ पे चिल्ड्रन वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, बच्चों हम अलग अलग तरह के खाने खाते हैं अलग अलग टाइम पर। थिंक अबाउट द नेम ऑफ एट लीस्ट 5 फूड्स आइटम एंड द मटीरियल रिक्वायर्ड विच यू लाइक मोस्ट, यानी आप कम से कम 5 ऐसे खानों के नाम बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उनमें क्या क्या मटीरियल लगता है आपको वो भी बताना है। तो देखिए पहला तो इन्होंने खुद ही बता दिया हलवा, जिसमें सूजी, घी, पानी और चीनी लगता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया जर्दा, जर्दे में चावल, चीनी, घी और ड्राई फ्रूट्स लगता है। सेम इसी तरह से डेजर्ट यानी कि खीर, खीर में आपका क्या लगता है, मिल्क, शुगर और ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा राइस भी डलते हैं थोड़े से, तो आप राइस भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है राजमा, तो अब राजमा बनाने के लिए राजमा चाहिए, उसके बाद उसके स्पाइसेस यानी मसाले चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है मटर चावल, जो हम लोग मटर पुलाव जिसे कहते हैं, तो मटर चाहिए, चावल चाहिए, इसके अलावा आपका स्पाइसेस, ऑयल और वाटर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, सॉरी वाटर और ऑयल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो आप लोग इसे लिख लेंगे और इस तरह से आपके अलग अलग तरह की डिशेस बन जाएंगी। अब यहाँ लिखा है द फूड वी ईट हेल्प अस, यानी जब हम खाना खाते हैं तो वो हमें किन किन चीज़ों में मदद करते हैं। तो देखिए वो हमें एनर्जी भी देते हैं, वो हमारी बॉडी को बढ़ने में भी मदद करते हैं, वो हमारे टिश्यूज़ यानी हमें चोट वोट लग जाती है तो उसको भी, अगर हम अच्छे अच्छे खाने खाएं तो हम जल्दी से अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक, तो ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया था। अब लिखा है लेट्स अस ट्राई टू आंसर, चलो आंसर देने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू हैव टू मेक एनी डिश ऑफ योर चॉइस, अगर आपसे आपकी पसंद की कोई एक डिश बनाने को कहा जाए, वॉट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू मेक दैम, तो उसके लिए बनाने के लिए कौन से ऐसे नेसेसरी चीज़ें, कौन से ज़रूरी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब मुझे पसंद है राजमा चावल, मैंने एग्जाम्पल के लिए राजमा चावल लिए, तो मैंने लिखा राजमा चाहिए, चावल यानी राइस चाहिए, स्पाइसेस यानी मसाले चाहिए, वाटर यानी पानी और ऑयल। इसको बनाएंगे, मिक्स वेल करेंगे, अच्छे से करेंगे और हमारे राजमा चावल तैयार हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की बनाइए। इसके अलावा 7th क्लास की और 8th क्लास की जो अलग अलग आई है, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो मैंने वो भी बनाई है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और 6 to 8 वाली जो आपकी एक सी आती है वो भी मैंने डाल दी है, तो आप लोग वो सारी ले सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।